नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुज विलमोर के साथ 2 महीने से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसी हैं। बोइंग स्टार लाइनर के पहले मानव मिशन के लॉन्च के जरिए वो 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थीं। सिर्फ 8 दिनों तक उन्हें यहां रहना था। हालांकि कैप्सूल और थ्रस्टर में खराबी के कारण अब उनकी वापसी का सही समय तय नहीं है। पृथ्वी पर उनकी वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं उन्हें लेकर अब बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष प्रणाली कमांडर रूडी रिडोल्फी ने 3 संभावित विनाशकारी परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की जान तक जा सकती है। ये तब हो सकता है जब वो खराब बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्षयान के जरिए लौटने की कोशिश करेंगे। बोइंग स्टार लाइनर का पृथ्वी से लॉन्च सफल रहा, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर इसमें हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी जैसी समस्या देखी गई। नासा वर्तमान में इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या सुनीता विलियम्स की वापसी का मिशन बोइंग स्टार लाइनर के जरिए आगे बढ़ाया जाए या स्पेसएक्स का इस्तेमाल कर बचाव मिशन शुरू किया जाए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रिडोल्फी ने कहा कि सुरक्षित वापसी के लिए स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल के कैप्सूल को सही कोण पर रखना चाहिए। अगर इसमें जरा भी चूक हुई तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। रिडोल्फी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कैप्सूल ठीक से लाइनअप नहीं होता तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान जल सकता है या अंतरिक्ष में वापस फेंका जा सकता है। उन्होंने वापसी को लेकर 3 तरह के खतरे बताए। पहला संभावित खतरा यह है कि अगर कैप्सूल गलत एंगल पर पुनः प्रवेश करता है तो यह वायुमंडल से वापस अंतरिक्ष में उछल सकता है। तब स्टार लाइनर के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन और खराब थ्रस्टर होंगे। अंतरिक्ष यात्री तब हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाएंगे। दूसरे परिदृश्य में अंतरिक्ष यान दोषपूर्ण संरेखण के कारण वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में विफल होता है तो भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में ही फंसे रह जाएंगे। इसका परिणाम भी वही होगा जो अंतरिक्ष यान के वापस स्पेस में उछलने पर होगा। तीसरी और सबसे खराब स्थिति अंतरिक्ष यान का जल जाना है। रिडोल्फी का कहना है कि अगर वायुमंडल में बहुत अधिक कोण पर कैप्सूल वापसी करता है तो अंतरिक्ष यान अत्यधिक घर्षण के कारण जल जाएगा और अंतरिक्ष यात्री हवा में ही मारे जाएंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।